हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद यतिमन। तो देखिए, बहुत बड़ी न्यूज़ जो है वो निकल कर आई है रीट के संबंध में, कि रीट लेवल 2 का एग्ज़ाम जो है वो रद्द किया जा चुका है। अशोक गहलोत ने अभी अभी जो है वो वार्ता में ये चीज़ कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब जो एग्ज़ाम होगा तो वो 2 चरणों में होगा। यहाँ पर लेवल 1 का एग्ज़ाम जो है वो रद्द नहीं किया गया है। उनके अनुसार लेवल 1 के एग्ज़ाम में इतनी धांधली नहीं हुई है, वो यथावत ही रहेगा। रीट लेवल 2 का एग्ज़ाम जो है वो अब रद्द हो गया है, और ये एग्ज़ाम जो है वो अब एक तो पात्रता परीक्षा जो है वो लिया जाएगा, और उसके बाद एक और एग्ज़ाम लिया जाएगा सब्जेक्ट का। और इसके साथ ही बहुत अच्छी न्यूज़ एक और ये है कि अब 65,000 पदों पर भर्तियां जो हैं वो होंगी। ठीक है, तो यहाँ रीट लेवल 2 के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। पहले की तरह ही एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, और दूसरा एग्ज़ाम जो है वो जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों से लिया जाएगा। तो ये चीज़ आप देखिए कि जो भी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि हमारे जो है वो पद बढ़े, तो पद भी बढ़ाए गए हैं। पहले 32,000 पद थे, तो 20,000 पद बढ़ाए गए थे, और उसके बाद अब 10,000 और भी पद बढ़ाए गए हैं। तो 32,000, 20,000 और 10,000, यानी 62,000 पद जो हैं वो अब किए गए हैं। तो यहाँ पर लेवल 1 के लिए 15,000 पद जो हैं वो अलग रखे जाएंगे, ऐसा भी कहा गया है। ठीक है, और अभी डेट जो है वो फिक्स नहीं की गई है कि आपका एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, लेकिन मई के बाद जो है ये एग्ज़ाम होगा। मई से पहले ये नहीं होगा, मई के बाद ही होगा। तो ये समझिए कि ये अगस्त तक जो है वो एग्ज़ाम की डेट जो है वो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। और जो बच्चे कह रहे थे एग्ज़ाम जो है वो रद्द किया जाए, तो रद्द हो गया है। दूसरी बात कह रहे थे पद बढ़ाए जाएं, तो पद भी बढ़ाए गए हैं। तो बहुत ही सोच समझ कर ये फैसला लिया गया होगा। जिस तरीके से रोज़ जो है ये न्यूज़ आ रही है कि इतने बच्चों ने पेपर खरीदा, और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि कम से कम 1.5 लाख तक बच्चे जो हैं, जिनके कह रहे हैं कि 135 से अबव जो है इनके मार्क्स जो हैं वो आए हैं, और उसकी वजह जो है पेपर लीक होना ही बताया जा रहा है। तो कट ऑफ जो है वो यदि 1.5 लाख के लगभग बच्चे अगर खरीद चुके हैं पेपर, तो कट ऑफ समझिए वैसे भी बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली थी। यहाँ पर बच्चों के जो हैं वो यहाँ पर सिलेक्शन कम ही होते, जो मेहनती बच्चे हैं वो वैसे भी रह ही जाते। तो इसका एक जो सॉल्यूशन ये रहा है कि रद्द हो गई है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इतने सारे बच्चे जो हैं जिन्होंने चीटिंग की है, और भी पता नहीं कितने होंगे, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है वो अब तैयारी में जुट जाइए और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करिए। जो पीछे छूट चुका है उसके बारे में अब आपको नहीं सोचना है, क्योंकि पिछले जो भी हुआ है उसके बारे में सोचने का कोई भी फायदा भी नहीं है। आप लोग विद्यार्थी हो, विद्यार्थी के पास एक पढ़ाई के सिवा जो है कोई हथियार नहीं होता है। तो इस हथियार को अब आप जो है वो काम में लेंगे और अपने अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली जो भी न्यूज़ होगी तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। थैंक यू।